हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम, यानी आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए इस वक्त और आपके पार्टनर आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन वीडियो होगा आप दोनों के फीलिंग्स का, इमोशंस का। बट फिर भी ध्यान रखना है गाइज रीडिंग देखते वक्त कि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बुक कर सकते हो अपनी रीडिंग। ऑल्सो मैं क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, रिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको कोई भी अपने प्रॉब्लम के हिसाब से क्रिस्टल्स लेने हैं तो आप मुझसे ले सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको ये तीन क्रिस्टल्स दिखा रही हूँ, ये है ब्लैक टॉर्मेलाइन, ग्रीन एवेंचराइन और रोज़ क्वार्ट्ज। ऐसे और अलग अलग भी क्रिस्टल्स हैं, जैसे अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ है तो एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास मनी इश्यूज़ है तो पायराइट यूज़ कर सकते हो, करियर इशूज़ है तो सिट्रीन यूज़ कर सकते हो, हीलिंग करना चाहते हो तो क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से आपको क्रिस्टल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप एक टाइम पे सारे क्रिस्टल्स भी पहन सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस करूँगी कि आप जब क्रिस्टल्स पहन रहे हो तो ठीक है, आप अभी फॉर एग्जांपल ये पूरा रोज़ क्वार्ट्ज का है, इसमें मिक्स्ड ना पहने, ठीक है। मतलब ये अलग अलग पहन सकते हो आप एक साथ, लेकिन मिक्स एक ही इसमें 10-12 क्रिस्टल्स अलग अलग तरीके, उसकी पावर उतनी नहीं होती है, ठीक है। अभी इसकी पावर जितनी होगी ना, इसमें अगर और कोई कोई क्रिस्टल्स लगे होते ना, उतनी पावर नहीं होती उसकी, ठीक है। तो आपको अगर रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ पहले जैसी नहीं रही, वो पैशन नहीं रहा, वो अट्रैक्शन नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं है बिल्कुल भी, तो सारे रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हो। अगर आपको लगता है नज़र लगती है रिश्ते को, तो आप ये दोनों साथ में पहन लो, आपके रिश्ते को नज़र नहीं लगेगी, बचाएगा आपके रिश्ते को किसी के बुरी नज़र से, बुरी नीयत से। और अगर आपको लगता है आपके ओवरऑल लाइफ पे ही नज़र लग गई है, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, कुछ सही नहीं हो रहा आपके लाइफ में, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन अकेले में पहन, मतलब ये एक भी क्रिस्टल भी पहन सकते हो, जिससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे किसी भी नज़र दोष या कोई कुछ केकर करा रहा है आपके ऊपर, उससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे काफ़ी हद तक। और ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, सक्सेस, गुड लक लाता है। तो वैसे अलग अलग आपका प्रॉब्लम क्या है आप मुझे आके बताओगे, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना है, ठीक है। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं स्पेल जार भी बनाती हूँ, अगर आपको स्पेल जार बना के चाहिए तो वो भी मैं बनाती हूँ, आप वो भी आपके प्रॉब्लम के हिसाब से बनता है। बट मेजरली मैं चार प्रकार के स्पेल जार्स बनाती हूँ, लव मैग्नेट स्पेल जार रिलेशनशिप्स के लिए, मनी मैग्नेट स्पेल जार फाइनेंसेस और करियर को सुधारने के लिए, प्रोटेक्शन स्पेल जार आपको प्रोटेक्शन दिलाने के लिए, और विश फुलफिलमेंट स्पेल जार आपकी कोई स्पेसिफिक विश पूरी करने के लिए, ठीक है। वैसे मैं स्पेल ऑयल भी बनाती हूँ, आप वो भी मुझसे बनवा सकते हो। मैं तीन तरीके के स्पेल ऑयल बनाती हूँ, लव मैग्नेट स्पेल ऑयल, मनी मैग्नेट स्पेल ऑयल और प्रोटेक्शन स्पेल ऑयल। तो आपको इनमें से कोई भी सर्विसेज चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे ही मैं रिचुअल्स भी करती हूँ, तो रिचुअल्स कराने हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो इस वक्त, इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए आपकी क्या फीलिंग्स है। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, व्हाट आर यू फीलिंग। आप क्या फील कर रहे हो फॉर योर पर्सन, फॉर दिस रिलेशनशिप, आपकी क्या फीलिंग्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ ओशन यानी किंग ऑफ कप्स, चैरियट। ओके, तो कार्ड्स मैंने यहां पे निकाल लिए हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं। लेट्स सी
आपके पर्सन की इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में और मन में क्या चल रहा है, लेट्स सी। द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, फोर ऑफ स्वर्ड्स, टेम्परेंस। ओके, तो ये कार्ड्स आपके पर्सन के लिए आए हैं, आपके लिए भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं। अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे, ठीक है। सो मैं दूसरा टैरो डेक यूज कर रही हूँ टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। आपकी एनर्जी पहले रीड करते हैं, आपकी एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, वाई इज एस ऑफ पेंटिकल्स, क्यों है एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में क्यों है एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है मून कार्ड। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी, अगर मैं बताऊँ आपको, आप ना कहीं ना कहीं, वैसे तो आप इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही सेंसिटिव हो, बहुत ही इमोशनल हो, ओके, लेकिन आप अपने इमोशंस अब शो नहीं कर रहे, ओके, आप अपनी इमोशनल साइड नहीं शो कर रहे, आपने वो कहीं ना कहीं सप्रेस करके रखी है या हाइड करके रखी है अपने पार्टनर से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही आप इमोशनली दिखाने लग जाते हो अपने इमोशंस को, वल्नरेबल हो जाते हो, आपके पर्सन उस चीज़ का फायदा उठाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ना डेफिनेटली चाहिए कि आप दोनों के भी रिश्ता आगे बढ़े, या ये पर्सन वापस आ जाए, बात करे आपसे, आप दोनों का रीयूनियन हो, ये तो चाहते ही हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर आए इस बार स्टेबल ऑफर लेकर आए, ओके, ये आपकी इंटेंशन है। आप चाहते हो कि ये इंसान मेरा वक्त बर्बाद ना करे, स्टेबल ऑफर लेकर मेरे पास आए, मेरा वक्त बर्बाद ना करे, खुद का वक्त बर्बाद ना करे, तो आप थोड़ा ना प्रैक्टिकल सोचने की या प्रैक्टिकल बिहेव करने की आप कोशिश कर रहे हो। वैसे देखा जाए तो आप ऐसे हो नहीं, प्रैक्टिकल आप हो नहीं, आप इमोशनल ही हो, लेकिन आप ट्राई कर रहे हो टू बी मोर प्रैक्टिकल, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने इमोशंस जितने शो किए ना इस पर्सन को, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस का फायदा उठाया, आना जाना आपकी लाइफ में, हॉट एंड कोल्ड बिहेव करना, झूठे वादे करना, ठीक है। इस वजह से आपने क्या डिसाइड किया है कि अब प्रैक्टिकल रहना है, अब इमोशनल हुए भी तो शो नहीं करना इमोशंस को, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये आपका स्टैंड है इस वक्त कि आप इमोशनल ना दिखना चाहते हो और इमोशनली कोई डिसीजंस भी नहीं लेना चाहते, ओके, विच इज़ गुड थिंग। अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ओके। वाई इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स हियर, लेकिन आप एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो। अगर ये पर्सन आते हैं सॉलिड ऑफर लेकर तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे, अगर ये टाइम पास के माइंडसेट में आपके पास आते हैं, गेट लेट गो वाला एटीट्यूड करके कि हाँ ठीक है ना देख लेते हैं टाइप के एटीट्यूड, तो आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, ओके, यहाँ पे है एस ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि ऐसा आपको फील हो रहा है कि शायद ये पर्सन आपको वो सब नहीं दे पाएगा जो आप इनसे उम्मीद कर रहे हो, स्पेशली कमिटमेंट। आपको ऐसा लगने लगा है ये इंसान मुझे कभी कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, ये मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाएगा, ओके, ये फेल्ड सिचुएशन है, आपको ऐसा लगने लगा है, लिटरली ये रियलिटी समझ ली है आपने, ये इंसान कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा, ये कभी मुझे सीरियसली नहीं लेगा, ये कभी भी जितना मैं इसके लिए कर रही हूँ या कर रही थी या कर रहा था, जो भी है आपका जेंडर, उतना ये इंसान कर ही नहीं पाएगा, उसके पास उतना है ही नहीं, उसकी इतनी पोटेंशियल ही नहीं है कि वो इतना मेरे लिए कर सके, आपको ऐसा लगने लगा है, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर देती हूँ, आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो लेकिन उम्मीदें आपकी ना जीरो हो चुकी है, डिजायर है, चाहत बहुत सारी है आपकी, ऐसा हो वैसा हो, शादी हो, सब कुछ हो, हम लोग साथ रहे, हैप्पी रहे, लेकिन आपको इस पर्सन के कैपेसिटी पे या इनके पोटेंशियल पे अब शक है कि शायद ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा मेरे लिए या इस रिश्ते के लिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन या तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जितना आपने किया उतना तो कर ही नहीं रहे, लेकिन उसके आधा भी नहीं कर रहे आपके लिए कुछ,
ठीक है। और दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको लगता है इस पर्सन की उतनी हैसियत ही नहीं है कि वो आपके लिए कुछ कर पाए। ओके, गिविंग नेचर नहीं है इस पर्सन का, सिर्फ चाहिए, लेना है अटेंशन, प्यार, ये वो। देने की बारी आती है, ये इंसान हाथ पीछे खींच लेता है। ये आपका माइंडसेट हो गया अभी, ठीक है। तो आपने भी देना बंद कर दिया है। ओके, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में क्यों हो आप? यू आर इन किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, थ्री ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। देखो, आप प्यार बहुत करते हो, जैसे मैंने बोला, कोई शक नहीं है कि आप प्यार करते नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्यार बहुत करते हो, आपके इमोशंस बहुत डीप है। लेकिन अब वो दिखाना आपने छोड़ दिया है, इमोशंस दिखाना आपने छोड़ दिया है, ठीक है। आपके पास हो सकता है कि और भी ऑफर्स आते होंगे, और भी लोग होंगे जो आपको पसंद करते हैं, अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप प्यार सिर्फ इस इंसान से करते हो, ठीक है। और अब आपको प्यार नहीं होगा किसी से, अब कोई आपको प्यार देना भी चाहेगा ना, वो उस दीवार को नहीं तोड़ पाएगा जो दीवार कहीं ना कहीं आपने बना ली है, बिकॉज यू लव दिस पर्सन जेन्युइनली, ठीक है। आप किसी के लिए अब अवेलेबल नहीं हो सकते कभी भी। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने एक दीवार बना ली है। आप इतने हर्ट हो गए हो, इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हो, कि आपको लगता है कि फीलिंग शो करने का कोई फायदा नहीं है। ये इंसान अगर आता भी है, मुझसे क्लोज होने की कोशिश भी करता है, तो भी मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। तो एक वॉल बिल्ड कर ली है आपने, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि पर्सन आए हैं, प्यारी प्यारी बातें करी है, आपको बहलाया फुसलाया है, और जब आप बहल गए तब इन्होंने फिर से आपसे दूरी बना ली। तो आप ना, आपने आप एक वॉल बना ली है। आप थोड़े रूड हो गए हो, थोड़े रुथलेस हो गए हो, थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, ठीक है। तो अब आपका दिल जीतना, आपको बहलाना फुसलाना मनाना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग इस पर्सन से बात तो कर रहे हो, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हो जो इस पर्सन से बात तो कर रहे हो लेकिन अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही रख रहे हो, ज़्यादा शो नहीं कर रहे। वाइज टू ऑफ पेंटिकल्स इन योर एनर्जी, क्यों है टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके पास, आपके अंदर? फोर ऑफ पेंटिकल्स है और टेन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। यस, मैं बोल रही हूँ ना, आपके ऐसा नहीं है कि आपको कोई पसंद नहीं करता, आपके पास ऑप्शंस बहुत है। बहुत लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो आपको अपनी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन आपने इस पर्सन के साथ दिल ही दिल में, मन ही मन में शादी भी कर ली है। आप ऑलरेडी इनके हो चुके हो, ठीक है। सिचुएशन जैसी भी हो, आप इनके हो चुके हो। आप किसी को वो जगह नहीं दे सकते अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब मौका मिलेगा, ये पर्सन अगर सच में आपके लिए एफर्ट्स डालते हैं फ्यूचर में, तो आप इनके साथ रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हो। आप इनके लिए स्टैंड भी लोगे, आप इनके लिए फाइट भी करोगे, आप इनके लिए अपना पूरा 100% देते हुए मुझे दिख रहे हो, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। और आपको ऐसा करना भी चाहिए जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से। यू आर वेरी सीरियस, आपके लिए ये पर्सन और ये रिश्ता बहुत सीरियस मैटर है। लेकिन आप अभी स्ट्रांग बन गए हो, आप कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करोगे, कैसा भी बिहेवियर और कैसा भी कर लिया, नहीं। आपका एक प्रॉपर एक एक्सपेक्टेशंस है आपकी, वो पूरी होगी तो आप चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। वाई इज पेज ऑफ कप्स हियर आपकी एनर्जी में? पेज ऑफ कप्स क्यों है? ओके, यहाँ पे है जस्टिस और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ ना आपको, आपके अंदर बहुत प्यार है, लेकिन आप इस पर्सन को सबक सिखाना चाहते हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या बात नहीं, मतलब आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक ज़्यादा रखना चाह रहे हो, आप हिडन रखना चाह रहे हो अपने इमोशंस को, क्योंकि आपको लगता है कि जितना कम एक्सप्रेस करूंगा, जितना कम एक्सप्रेस करूंगी, सामने वाले को उतनी तकलीफ होगी और उसको उसका उसका लेसन उसको मिलेगा। ये आपका नया, मुझे लगता है, एक स्ट्रैटेजी कह सकते हो, प्लान कह सकते हो। क्योंकि देखो, आपने पहले क्या होता था, आप रोते थे, तड़पते थे, गिड़गिड़ाते थे, वेट कर लेते थे, आपकी बाउंड्रीज नहीं थी कोई, या आपकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी बाउंड्रीज है, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल चुका है कहाँ पे रुकना है और कितना एक्सप्रेस करना है और कितना शो करना है। दैट इज़ वॉट आई सी।
सो यू आर बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ. अभी आप देखना चाहते हो कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करूँगी या मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और मैं देखना चाहता हूँ सामने वाला कितना मेरे लिए तड़पता है, कितना कोशिशें करता है. आप टेस्ट करना चाहते हो इस पर्सन को, आप देखना चाहते हो कि आपको मनाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, आपको आपकी चुप्पी तोड़ने के लिए कहाँ तक जाते हैं. ठीक है, तो ये आपका टेस्ट है. किंग ऑफ ओशन क्यों है यहाँ पे, सॉरी एम्परर की एनर्जी है गाइज, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स नहीं है. ओके, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वैंड. देखो, आपको इस पर्सन पे वैसे देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस तो है कि अगर ये इंसान मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरा लाइफ पार्टनर कोई बनेगा तो यही इंसान बनेगा. आप अपनी नज़रों में उनको अपना हस्बैंड या वाइफ देख चुके हो, बना चुके हो. जब भी आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आपको अगर कोई अपना लाइफ पार्टनर के रूप में दिखता है तो यही इंसान दिखता है. आपको लगता है कि एक बार चीज़ें ठीक हो जाएगा ना, अगर ये मुझसे शादी कर लेगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा. मतलब ये परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ बन सकता है मेरे लिए. ठीक है, तो आप डेफिनेटली जब भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप इनको अपनी फ्यूचर में देख रहे हो एज अ लाइफ पार्टनर, आप अपनी हैप्पी मैरिज देख रहे हो, आप सब कुछ एकदम, अगर इन्हीं के साथ आपकी लाइफ सेट हो पाएगी, आपको ऐसा लगता है. ओके, तो यस, यू आर लुकिंग अप टू दिस पर्सन एज अ लाइफ पार्टनर, लेकिन आपकी बाउंड्रीज हाई है, आप कुछ भी नहीं सहोगे. दैट इज़ वॉट आई सी, डिफरेंस यही है. प्यार तो तब भी करते थे, अभी करते हो, प्यार आगे भी करोगे. एक्सपेक्टेशंस तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, लेकिन अब झुकोगे नहीं. आपको हक से चीज़ें चाहिए अभी, कि समझो मेरी, रिस्पेक्ट करो, वैल्यू करो. चैरियट की एनर्जी क्यों है, वाई इज द चैरियट हियर. यस, एट ऑफ कप्स है. ओ माई गॉड, ये क्या हो रहा है गाइस. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे. देखो, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आप तब तक मुड़ने नहीं वाले हो अभी, तब तक आगे बढ़ते रहोगे जब तक ये पर्सन आके आपसे सॉरी नहीं बोलते, आपकी वैल्यू नहीं समझते, अपनी गलती नहीं समझते. तो आप चाहते हो ये पर्सन मुझे आकर मनाए, सॉरी बोले, मेरा पीछा करे, मुझे चेज करे, तभी मैं पीछे मुड़ के देखूंगी या तभी मैं बात सुनूंगी. तब तक आप आगे बढ़ते हो, बढ़ने में ही आपको लगता है यही सही रहेगा कि मैं आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में. जब तक ये पर्सन मेरा पीछा ना करे या मुझे मनाए ना या मेरे पीछे ना आए, स्टेप्स ना ले मेरी तरफ, मुझे चेज ना करे, आई विल कीप गोइंग ऑन. ये आपका माइंडसेट है, ये आपने डिसाइड किया है. ठीक है, आप चाहते हो आएगा तो ये इंसान ही आएगा मेरे पास, मैं नहीं जाऊँगी इसके पास. चलो, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं. आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है उनकी एनर्जी में, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है, व्हाई इज द एम्प्रेस हियर. ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स है. गाइज, मैं आपको एक बात बोलूँ, ये पर्सन की नज़रों से, इनकी नज़रों में आप जैसे आपने इनको अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया है ना, वैसे ही इनकी नज़रों में आप परफेक्ट हो. ओके, ये आपकी वैल्यू भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन भी फील करते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहते हैं, और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रोटेक्टिव हो रखे हैं. बहुत जेलसी इनको फील हो रही है, ये चाहते हैं कि बस मैं देखूँ इसको, बस मैं इसके बारे में सोचूँ. तो इनके अंदर आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है गाइस, ये चीज़ मैं आपको पहली कार्ड से क्लियर कर देती हूँ. इनको लगता है कि आप समथिंग स्पेशल हो, आप समथिंग मैजिकल हो, आप सबके आप रेयर हो, आप अलग हो, डिफरेंट हो. दैट इज़ व्हाट योर पर्सन फील्स. आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, आप रेयर हो, आप कंप्लीट हो, एक पैकेज हो आप पूरा, एंड आपसे बेटर कुछ नहीं है. और ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत जेलस हो रहे हैं. अगर अभी आपके साथ है या होते तो ये आपको प्रोटेक्ट ही करते. बहुत ज़्यादा ये पर्सन डरते हैं आपको खोने से. इनको पता है कि एक आप एक ऐसे इंसान हो जो लाइफ में एक ही बार मिलता है किसी को, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको ये मानते हैं. इनको लगता है ऐसा पर्सन तो मुझे कभी नहीं मिलेगा वापस. रेयर मानते हैं, कंप्लीट पैकेज मानते हैं, आपकी बहुत वैल्यू है इस पर्सन के दिल में, बहुत रिस्पेक्ट है. ठीक है, और इनको लगता है कि आपके पास कोई कमी नहीं है, आपको इनकी नीड नहीं है, और आप उनको ऐसा मे बी पोर्ट्रे भी कर रहे हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. येस आई लव यू, बट सॉरी, तुम कोई ऑक्सीजन नहीं हो कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी.
और वो उस चीज़ को समझ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चैलेंज भी करता है। ओके, व्हाई इज पेज ऑफ पेंटिकल्स हियर? थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, ये आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको आना भी है आपके पास, इनको आपके साथ रिश्ते को आगे भी बढ़ाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इनके पास आपको ऑफर करने के लिए आपकी बराबरी का या आपके लेवल का कोई ऑफर नहीं है, और यही प्रॉब्लम आ रही है। आप बोल रहे हो ना कि ये पर्सन मेरे पास आ क्यों नहीं रहा, आप चाहते हो ये पर्सन स्टेबिलिटी लेकर आए, कमिटमेंट लेकर आए, बड़ा ऑफर लेकर आए मेरे पास, वरना ना आए। और आपके पर्सन के पास एग्जैक्टली वही चीज़ देने को है नहीं आपके पास, आपको वो सिर्फ आपको प्यार दे सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए इनसिक्योर हो सकते हैं, मतलब वो प्यार हर तरीके से आपको शो कर सकते हैं, बस आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। सो देखो, ऐसा नहीं है कि वो आपको अपने फ्यूचर में नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो अभी आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते, वो आपको झूठ नहीं बोल सकते। आपका मन रखने के लिए, आपका दिल रखने के लिए या रिश्ता चलाने के लिए, अगर वो आज आपको बोल देंगे कि हाँ मैं तुझी से शादी करूंगा, और कल जाकर वो नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आप ही बोलोगे ना कि तुमने तो मेरा विश्वासघात किया। इसीलिए वो थोड़ा सा यू नो दे आर टेकिंग देयर स्टेप्स बैक, या वो नहीं एक्शन ले रहे कोई भी, या फिर आपको कोई बड़ा ऑफर आपके सामने नहीं रख रहे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं वो देने के लिए अभी, समझ रहे हो? सो दे आर बीइंग फेयर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के, हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हैं, या अगर उम्र में छोटे नहीं है तो किसी मामले में तो ये आपसे कम है या फील करते हैं खुद को कम। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? टेन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी टेन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखो, इनको आप बहुत अच्छे से आपकी वैल्यू पता है, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत लविंग हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो। लेकिन इनको लगता है मुझे अभी बहुत कुछ लाइफ में करना बाकी है, मैं अभी तुम्हें प्रॉमिस नहीं दे सकता शादी का, या मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बनाने का प्रॉमिस अभी नहीं दे सकता। आई वॉन्ट टू, बट मैं अभी वो नहीं कर सकता, क्योंकि उनको लगता है वो उस लेवल पे अभी है नहीं कि वो आपको कोई बड़े बड़े वादे करे या वो आपको अभी कमिटमेंट दे दे। उस लेवल पे वो अपने आप को नहीं मानते, उनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, सीखना है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर अभी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की या किसी चीज़ की। किसी किसी के पार्टनर्स यहाँ पे अभी बहुत इमेच्योर है, जब जॉब ढूंढ रहे हैं, अभी नई जॉब लगी है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी वो उस लेवल पे नहीं है, उनको पता है आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनको ये भी पता है कि आप वंस इन अ लाइफ टाइम, तो देखो वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आपके साथ, क्योंकि वो झूठ नहीं, झूठ बोल के अब इस रिश्ते को नहीं चलाना चाहते। ओके, दैट इज़ द थिंग। लेकिन उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप ही उन्हें प्यार कर सकते हो, और आप ही उनके साथ एक बहुत अच्छी लाइफ, मैरिड लाइफ जी सकते हो। वाई इज़ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? क्यों है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स? ओके, पेज ऑफ कप्स है एंड हाई प्रीस्टेस है। देखो, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप नाराज़ हो, आप डिसअपॉइंटेड हो उनसे। ओके, आपका दिल तोड़ा है उन्होंने, आपको हर्ट किया है, आप चुप हो गए हो ना। आपका जब दिल टूट जाता है या फिर आप हर्ट हो जाते हो ना, आप चुप हो जाते हो। इस पर्सन की बहुत इच्छा हो रही है कि वो आपको सॉरी बोले। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है इस पर्सन ने सॉरी ऑलरेडी बोल दिया है या बहुत जल्दी बोल सकते हैं, क्योंकि वो फील कर रहे हैं सॉरी, क्योंकि उनको पता है उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ओके, और जब आपका दिल टूट जाता है, इस पर्सन का भी दिल टूट जाता है, लेकिन वही है ना, वो चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि उनको आपका दिल भी नहीं तोड़ना है, उनको आपको हर्ट भी नहीं करना है, झूठे प्रॉमिसेस भी नहीं करने हैं, तो वो कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है आप हर्ट हो, क्योंकि आप साइलेंट हो जाते हो, आप साइलेंट हो जाते हो, और आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पता है कौन इंसान की क्या इंटेंशन है, या यू नो कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। व्हाई इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? सेवन ऑफ कप्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ, नहीं यस नाइट ऑफ, नहीं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखो क्या प्रॉब्लम है पता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, इस वक्त वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और ना तो वो अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी है यहाँ पे, या तो वो अपने आप अपने मतलब उनको लगता है कि आप उनको गलत समझ रहे हो, या उनको समझ ही नहीं पा रहे हो, तो वो आपको अपनी क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओके,
क्योंकि वो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे होंगे, इसलिए मे बी आप कंफ्यूज हो गए हो, या उनका बिहेवियर ही बहुत कंफ्यूजिंग रहा है शुरुआत से ही। तो कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो अभी क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो खुद चीज़ों को अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उनको क्लैरिटी आ जाएगी वो खुद आपको क्लैरिटी दे देंगे, ठीक है। क्योंकि आप दोनों में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इश्यूज है, जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहे हैं, और आपके पर्सन को भी दिख रहा है वो, ठीक है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन? फोर ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बात करने की ट्राई करी हो और आपने रिप्लाई नहीं दिया हो, या बहुत रूडली रिप्लाई किया हो, ठीक है, या वो रिप्लाई आपकी तरफ से नहीं आया, वैसा रिप्लाई नहीं आया जैसा वो सोच रहे थे। और अगर अभी तक उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है तो वो इसलिए टाल रहे हैं मैसेज करने से, क्योंकि उनको लगता है कि अभी अगर वो आपसे बात करेंगे या तो आप सही मूड में नहीं होंगे या सही माइंडसेट में नहीं होंगे, और फिर आपके बीच कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो उनको डिसअपॉइंट करे, जो उनका दिल तोड़े, उनको हर्ट हो सकता है, ठीक है। तो दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, दे वॉन्ट टू कम यू नो क्लोज टू यू, लेकिन वो डर रहे हैं या तो आपके रिजेक्शन से, या तो ऑलरेडी रिजेक्शन उनको आपकी तरफ से मिल चुका है, तो उनके अंदर वो डर बैठ चुका है चीज़ों को लेकर, ठीक है। यस, वाइस टेम्परेंस हियर, क्यों है टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे? नाइन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की इच्छा तो ज़रूर है कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, एंड दे आर फाइटिंग। आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही होगी, आपको लग रहा होगा ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में एक्शन चल रहा है, लड़ रहे हैं वो चीज़ों से, खुद से लड़ रहे हैं, सिचुएशन से लड़ रहे हैं, आपके लिए दे आर फाइटिंग, आपके लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन आपको वो अभी नहीं दिखेगा। जब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा कि इंसान मेरे लिए या मुझसे चीज़ें सही करने के लिए क्या कुछ कर रहा था पीछे, ठीक है। वो हैप्पी नहीं है आपके बिना, ठीक है, उनको आपके साथ लाइफ बितानी है, वो बहुत जेलस होते हैं, वो बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, वो आपके साथ, वो आपके पास आएंगे अगर वो दूर चले गए हैं, बट जस्ट इट्स इट इज़ लाइक अभी उनकी खुद की कुछ जंग चल रही है चीज़ों को लेकर, ओके। सो या चलो अभी देखते हैं एंजल की आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, व्हाट एंजल्स वांट टू गाइड टू यू, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? ट्रस्ट, ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, जिस भगवान में आप मानते हो, जिस शक्ति में आप मानते हो, उन पे ट्रस्ट रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट खुद पे ट्रस्ट रखो, आपके रिश्ते पे ट्रस्ट रखो, सब कुछ सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे यस, तो आपके मन में अगर कोई सवाल था उसका जवाब है यस, एंजल्स ने आपको जवाब दे दिया है। और लास्ट जो कार्ड है वो है अगेन यस, तो देखो दो बार यस का कार्ड आया है, तो जो भी आपके मन में सवाल है उनका जवाब यस है, भरोसा रखो, यही आपको एंजल्स बोलना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में वेट, वेट करना, ठीक है, वेट, पेशेंस मत खो, गो गिव अप मत करो, लेट गो मत करो, वेट करो। लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो वो आपके बिना अधूरे हैं। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, कभी कभी उनको लगता है आप उनसे प्यार नहीं करते। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव, मेरे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्यार से हटकर। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, कोई मेरे दिल में तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। आई वॉन्ट टू टच यू, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़, तो मैं उन सपनों में जाता हूँ, तुम वो सपने हो जिसमें मैं चला जाता हूँ जब भी मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ, मतलब वो डी ड्रीम बहुत करते हैं। आई नो यू मिस मी, उन्हें पता है आप उन्हें मिस कर रहे हो। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर, ये कनेक्शन, ये रिश्ता उन्हें खुशी देता है। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी, तुम बेस्ट चीज़ हो जो लाइफ ने उन्हें दी है। आई मेड मैनी मिस्टेक्स, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लास्ट मैसेज है यू विल मेक मी मैड इन योर लव, तो आप उन्हें अपने प्यार में पागल कर दोगे, ये मैसेज है। और बॉटम ऑफ द डेक में है माई सेंसेस स्टॉप वेन आई सी यू, माई आईज फिक्स्ड ऑन यू, तो मेरी जो सेंसेज है यानी सोचने की, सॉरी छूने की, देखने की, स्मेल करने की, सारे जो सेंसेज है उनके, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं जब वो आपको देखते हैं, मतलब आप इतने ब्यूटिफुल हो, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आपको।
सो कैसी लगी रीडिंग गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है गाइस, स्पेल जार लेना है, स्पेल ऑयल लेना है, तो अवेलेबल है। बुकिंग आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। मेरा नंबर आपको या तो स्क्रीन पे दिख रहा है या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा या दोनों जगह पे दिख रहा होगा। तो प्लीज़ जाके बुक करिए ताकि आपकी लव लाइफ बेटर हो, इम्प्रूव हो। हीलिंग रिचुअल्स भी मैं करती हूँ, वो भी आप बुक कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।